झारखंड में सियासी हलचल तेज है। जहां एक तरफ हेमंत सोरेन जेल से निकलकर तीसरी बार सीएम बन चुके हैं, वहीं भाजपा लगातार झारखंड मुक्ति मोर्चा पर हमलावर है। बीते लोकसभा चुनाव में जहां भाजपा को झारखंड में नुकसान उठाना पड़ा है, वहीं झारखंड में कांग्रेस और जेएमएम की दोनों की सीटों में इजाफा हुआ है। झारखंड की राजनीति में तेजी से बदलाव हो रहे हैं। झारखंड में सभी राजनीतिक दलों ने अभी से अपनी कमर कस ली है। वहीं भाजपा और कांग्रेस के सीनियर नेता आपस में एक दूसरे के विरुद्ध मोर्चाबंदी करने में जुट गए हैं। दोनों पार्टियों के बड़े नेताओं का लगातार झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर प्रदेश में अपनी गतिविधियों को बढ़ा दिया है। कांग्रेस जहां अपने हिस्से की सीटें बढ़वाकर उम्मीदवारों के चयन में लगेगी, वहीं भाजपा आजसू के साथ गठबंधन में आगे बढ़ेगी। दोनों दलों के बीच सीटों के बंटवारों को लेकर इस दौरान शुरुआती चर्चा हो सकती है। झारखंड में कांग्रेस के प्रभारी गुलाम अहमद मीर इस सप्ताह के अंत तक 19 अथवा 20 जुलाई को झारखंड पहुंचेंगे। उनके पहुंचने के साथ ही झामुमो और कांग्रेस के शीर्ष नेताओं के बीच सीटों के बंटवारों को लेकर औपचारिक बातें होंगी। जिन सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवार कमजोर पड़ते हैं अथवा जहां झामुमो के उम्मीदवार कमजोर प्रदर्शन करते हैं, उन्हें बदला जा सकता है। फिलहाल राजद को कांग्रेस के कोटे से सीटें मिलनी हैं, इसलिए कांग्रेस अधिक से अधिक सीटों पर दावेदारी कर रही है ताकि अपने हिस्से से राजद सीटें दिया जा सके। दूसरी ओर झामुमो में भी अधिक सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए पार्टी नेताओं का दबाव है। दोनों दलों के बीच समझौता होने के बाद अगली कड़ी में भाजपा से मुकाबले की रणनीति पर काम होगा। कांग्रेस इसी बात को प्राथमिकता दे रही है। पार्टी चाहती है कि भाजपा को मुख्य मुकाबले में आने से रोका जा सके। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर झारखंड के विभिन्न स्तरों पर पार्टी पदाधिकारियों के बैठक पर समस्याओं को समझेंगे और इसी के हिसाब से उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया शुरू होगी। मीर के आगमन से लेकर बैठकों तक की तैयारी हो चुकी है। इस दौरे के क्रम में उनकी मुलाकात राज्य सरकार में कांग्रेस कोटे से मंत्री बने पार्टी के नेताओं के साथ होगी। वे कार्यकारी अध्यक्षों और जिला स्तर के नेताओं से भी मिलेंगे। अब ऐसे में देखना है कि आने वाले समय में झारखंड इंडिया गठबंधन में कौन कितनी सीटों पर लड़ता है। झारखंड में विधानसभा में 81 सीटें हैं, जिसमें एक विधायक मनोनीत जाते हैं। मनोनीत सदस्यों को मिलाकर कुल सदन की संख्या 82 हो जाती है। वही सरकार बनाने के लिए 43 विधायकों की जरूरत होती है। मौजूदा स्थिति में झारखंड विधानसभा में सबसे ज़्यादा विधायक जेएमएम के पास है। अगर इंडिया गठबंधन की कुल विधायकों की संख्या 47 है, वही जेएमएम के पास 27, तो कांग्रेस के पास 18, राजद और भाकपा माले के पास एक एक विधायक है। इंडिया गठबंधन के मुकाबले झारखंड में भाजपा का कुनबा बहुत कमजोर है। मौजूदा हालत में झारखंड में भाजपा के पास 24 विधायक है। वही उसके सहयोगी आजसू के पास 3 और एनसीपी पवार गुट के पास 1 और अन्य 2 निर्दलीय का भी साथ एनडीए को मिला है। वही झारखंड विधानसभा में 4 सीटें अभी खाली है।